हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजमा। तो राजमे को हमने 8 घंटे तक भिगोकर उसे फुला लिया है। उसके बाद हमने उसे उबालने के लिए गैस पे चढ़ाया है। उसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। फिर मैंने काटा है प्याज, जो कि मैंने छीलकर और धो लिया था। उसके बाद मैंने काटा है प्याज, फिर टमाटर को धोकर काटा। ये धनिया पत्ती है, ये लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा, इन सबको मैं फोरन दूंगी। फिर मैं मसाले तैयार की, तो मसाले तैयार करने के लिए उसमें मैंने डाला, ये मैंने लहसुन और जीरा का मैंने पेस्ट बनाया है। इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और फ्रेंड्स समय समय स्वाद अनुसार नमक और सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राजमे को भी उबाल कर इसे अच्छे से धोकर इसे छान लिया है। अब मैं गैस को ऑन करूँगी और इसका सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रखा है, तो कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया। अब ये गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी तेज़पत्ता। तेज़पत्ता जल चुका है, तो मैं डाल दूंगी जीरा। और लाल मिर्च अब फौरन आपस में जल चुके हैं, मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को फ्रेंड्स सुनहरा होने तक भूनना है। तो फिर देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे। फ्रेंड्स, मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। ये टमाटर मैंने बड़े बड़े 2 लिए हैं। हम सबको आपस में अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर है जो पक चुके हैं, तो मैं इसमें अच्छे से इसे भी मिला दूंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स फ्रेंड्स राजमे की सब्जी के साथ में चावल अच्छा लगता है, तो मैं चावल भी बना रही हूँ साथ में और राजमा की सब्जी। फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले जो हैं वो भून चुके हैं, मैं इसमें डाल दूंगी राजमा। अभी मैं डालने वाली हूँ नमक स्वाद अनुसार। और पानी। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि राजमा तो हमारा पका हुआ है और मसाले भी, तो बस मैं इतना पानी डालूंगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें मसाले जो हैं, ग्रेवी जो है वो पतले हो जाए तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये मैंने पानी डाल दिया है, अब इसे एक उबाल आने तक पकाना है। इसे अच्छे से ढक दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसने अच्छे ये देखने में नहीं लग रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट बने हैं। फ्रेंड्स,
तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। फ्रेंड्स इसमें से सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट। इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पत्ते। तो फ्रेंड्स ये हमारा राजमे का सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है और मुझे बहुत ही जल्दबाजी मच रही है कि मैं कब इसे खाऊं, कितना जल्दी खाऊं। तो मैं अब जा रही हूँ चावल और राजमे की सब्जी खाने। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।